हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि खुश होगे, ठीक होगे, स्वस्थ होगे, आपके परिवार वाले भी ठीक होंगे। आप देख रहे होंगे जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ आपके लिए, आपको मेरा तरीका पता चल रहा होगा पढ़ाने का। उन सब का मैथ्स का भी मैंने डाला है, हिस्ट्री का भी डाला है, और मैंने आपको बताया भी है कि मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगा और हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, लास्ट तक पढ़ाऊंगा, आपको घबराना नहीं बिल्कुल भी। मैंने आपको बताया कि शुरुआत में हम क्या कर रहे हैं कि छोटे छोटे टॉपिक डाल रहे हैं, जिससे आपको मेरा जो पढ़ाने का तरीका है उसका पता चले कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। और आज मैं आपको वो चीज़ें भी दिखा रहा हूँ कि कैसे मैंने अपना सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन पाया, कैसे मैंने CHSL क्लियर किया, कैसे मैंने CGL क्लियर किया, कैसे मैंने HCS प्री क्लियर किया, कैसे MTS क्लियर किया, कैसे दिल्ली पुलिस क्लियर किया। वो देखो, जो मैंने पढ़ा है ना, जिस तरीके से पढ़ा है वैसे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो साथ बने रहिए, आपको पता चलेगा कि ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुझे आपको बहका के या बरगला के पैसे नहीं लूटने। जो मेरा तरीका खुद का पढ़ने का है वही आपको मैं दिखा रहा हूँ, उसी तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, जिससे आप भी उसी तरह क्लियर कर पाएँ पेपर जैसे मैंने किए हैं, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम एक ही तरीके से अपने परसेंटेज, लॉस प्रॉफिट, लाभ हानि, और परसेंटेज यानी प्रतिशत, लॉस प्रॉफिट यानी लाभ हानि, और कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हम बोलते हैं, इन सारे जो क्वेश्चन हैं इनके एक तरीके से हम कैसे कर पाते हैं, ठीक है। मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपको समझ में अच्छे से आए, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक आपको इतनी बता दूंगा, लेकिन पता है क्या है, एक बार समझ में आने के बाद आप उनको समझ पाओगे, ठीक है। तो एक बार साथ में रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। देखो मैं करवाता हूँ कैसे आप सारे क्वेश्चनों को एक ही तरीके से कर पाते हो, ठीक है। तो मैंने बताया कि जो अपना टॉपिक है वो सारा एक ही तरीके से मैंने आपको करवाना है, परसेंटेज से, है ना, इसी तरीके से करवाना है, प्रतिशत वाले तरीके से, जिसको आप हिंदी में प्रतिशत बोलते हो। एक तरीके से आपके क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, ठीक है। देखो हम पहला क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, इन्होंने दे रखा है किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि हो गई। आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि हो गई, फिर उसमें 20% की कमी हो गई, उसके वेतन में परिवर्तन कितना हुआ, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आप एक बार क्वेश्चन देख लेना, कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो अब जो ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सबका एक ही मेथड है, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज अलग हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा सबका एक ही तरीका है। तो इस क्वेश्चन में उसने कहा कि एक व्यक्ति के वेतन में, देखो आपको वेतन दे देंगे, लॉस प्रॉफिट में, लाभ हानि में आपको कोई वस्तु दे देंगे, कुछ भी बोल देंगे ऐसे, ठीक है। तो उसने हमें कहाँ से शुरुआत करनी है, हमें उस आदमी का वेतन जिसका दिया हुआ है वो वेतन हमने 100 मानना है। कितना मानना है? 100। तुमने उस आदमी का वेतन माना 100, ठीक है। एक बार जब तक मैं बिल्कुल बेसिक से नहीं करवाता, आप इसको देखते रहिए, ऐसे करते रहिए इन क्वेश्चन को। फिर जब मैंने आपको बताया कि मैं टॉपिक शुरू करूंगा तो बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि ये कहां से आया, नीचे क्यों आया, ऐसे क्यों आया, ठीक है। तो देखो वो कह रहा है कि 20% की वृद्धि। अच्छा एक आप काम करा करो, सबसे बढ़िया जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ सीखने का, कि जब मैं बोर्ड पे करवाऊँ ना तो आप बोर्ड की तरफ ही ध्यान रखो, ठीक है। जब आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो की तरफ ही ध्यान रखो, कॉपी में मत करो, ठीक है। आपको लिखना है कुछ भी तो एक बार अपनी वीडियो स्टॉप करके और फिर लिखो, ये तरीका सबसे बेस्ट होता है कि बोर्ड पे ही ध्यान रखना है, ठीक है, वीडियो में ही ध्यान रखना आपको। तो मैंने क्या किया, उस व्यक्ति का वेतन है मैंने 100 मान लिया, ठीक है, गुना मैंने लिखा यहाँ पे। अगर उस वेतन में वृद्धि हो रही है तो उस वृद्धि को या उस जो इंक्रीज हो रहा है उसको हम 100 में जोड़ के लिखते हैं। किस में जोड़ के लिखते हैं? 100 में। तो पहले बोला कि 20% की वृद्धि हो रही है, तो मैंने 100 में जोड़ के लिखा तो कितना आया? 120, ठीक है।
तो उसके साथ हमें इसके नीचे 100 और लेना पड़ेगा। इस किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से। एक बार आप करते रहिए, ये 100 क्यों आया मैं आपको ये भी बताऊंगा जब हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे, ठीक है। तो फिर वो बोले कि उसमें 20% की कमी हो गई, तो हम लिखेंगे कि हाँ भाई 20% की कमी, देखो वृद्धि करी हमने 100 में, तो जो कमी करी है वो भी 100 में ही करनी है, ठीक है। तो 100 में जोड़ा, 100 में वृद्धि की, 120 हो गया, 100 में कमी करी कितना हो गया, 80 बटे इसके नाम का 100 भी हमें लिखना है, डिवाइडेड बाई 100 हमें करना है, ठीक है। तो अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, 20 से 20 करी, 1 से ये गई, 1 से ये गई, कितना आया 12 96, कितना आया 12 96। देखो हमने माना था 100 और आया कितना 96, हमने 100 माना था आया कितना 96। तो देख हमारी कितनी कमी हो गई, हमने 100 माना था आया 96, अपनी कमी कितनी होगी 4, तो हमें लिखना है 4% कमी, कितनी होगी 4% कमी, ठीक है। एक बार आप करते रहिए, मैं बताऊंगा कि 100 ये क्यों आया, ये 80, हर एक चीज बताऊंगा आपको, लेकिन आप एक बार करते रहिए इस चीज को, ठीक है, देखते रहिए मेरे साथ। वृद्धि हुई तो 100 में जोड़ के, 100 में ऐड करके हमने लिखनी है, कमी हुई तो 100 से हमने घटा के सब्ट्रैक्ट करके वो लिखनी है, और अपॉन में हमने 100 तो लिखना ही है, तो हम ऐसे करेंगे 96 आ गया। अगर ऊपर आया तो ठीक है, 4% हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 100 पे कोई भी जो डायरेक्ट कमी या वृद्धि, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी होती है वो परसेंटेज में ही आ जाती है, ठीक है। आगे आप देखते रहोगे, देखो पहला क्वेश्चन है हमने करवा दिया, अभी हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। आप देखोगे दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के, सॉरी इसने अब की बार वेतन की जगह दिया है, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि कर दी गई, कितनी, आप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ भी गया है, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि कर दी गई और फिर 10% की कमी कर दी गई, ठीक है। पहले 20% की वृद्धि कर दी गई, फिर 10% की कमी कर दी गई, तो उस संख्या में कमी या वृद्धि ज्ञात करो, तो उस संख्या में कमी या वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो मैंने क्या किया, अब की बार मैंने उस संख्या को 100 मान लिया, ठीक है, मैंने क्या किया उस संख्या को 100 मान लिया, पहले 20% की वृद्धि तो 120/100, ठीक है, फिर कितनी कमी 10% की कमी, तो मैंने कितने मान लिया 10%, 100 में से 10 घटाऊंगा मैं, गए कितना, 100 में से 10 गए कितना रह गया 90, और 100 हमने इसके नाम का भी नीचे लेना है, ठीक है। तो कैंसिल आउट जो हो रहा है उसको कर दिया हमने, ये कर दिया, 12 निमा कितने हुए 108, हमने कितना माना था 100 माना था, आया कितना 108। तो आप सबको पता चल गया होगा कि वृद्धि हुई या कमी हुई, तो उसमें क्या हुआ वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 8% की, कितने की 8% की वृद्धि हुई, ठीक है, ठीक है ना। देखो बच्चों पता क्या है, मैंने आपको दो क्वेश्चन करवाए हैं अभी, सेम तरीके से बताए हैं, इनका ना मैं शॉर्ट ट्रिक आपको भी बता सकता हूँ। पहले जैसे पहला अपना क्वेश्चन क्या था कि भाई 20% की वृद्धि 20% की कमी, तो मैं इसको ये बता सकता हूँ कि आपका आंसर ऐसे आएगा 20 × 20 करके आप बटे में दो जीरो कर देना, ठीक है, 2 × 2 = 4, और हमेशा कमी आती है 4% की कमी, ये आंसर आ गया अपना, मैं आपको ये बता सकता हूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को ना मैं एक तरीके से और बता सकता हूँ आपको, मैं ऐसे लगा के x + y + xy/100 ऐसे करके ना, मैं आपको ये सवाल, ये जो क्वेश्चन है आपको ऐसे ही बता सकता हूँ कि x की जगह हम 20 लिख सकते हैं, और इस y की जगह हम फिर से 20 लिख सकते हैं, और एक्स वाई यानी दोनों के गुणा 20 × 20 बटे हम क्या लिख सकते हैं 100, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे हमने माइनस करना है, अब यहाँ पे हमने करना है माइनस, क्योंकि एक बार कमी हुई है एक बार वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे हमने माइनस लिख दिया, और अगर प्लस की और माइनस की अगर हम वो कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस, अभी देखोगे आप ये गया, तो 20 − 20 − 2 × 4, अब इससे ये कट गया, अब −4 आया ना, तो इसका मतलब क्या है कमी है, और −4 आया तो −4
आया तो इसका मतलब कमी है, 4% की कमी होगी। ठीक है, इस तरीके से भी मैं इस क्वेश्चन को बता सकता हूँ। जो अगला क्वेश्चन हमने किया, पहले 20% की वृद्धि, फिर 10% की कमी, अगला क्वेश्चन हमने ऐसे ही किया है, तो मैं उस क्वेश्चन कैसे भी कर सकता हूँ, x प्लस वाई, 20 की वृद्धि है, 10 की कमी है, माइनस का कर दिया हमने, इन दोनों की गुणा होगी तो माइनस 20 गुणा 10 बटे 100, एक जीरो से इससे ये, ठीक है, 20 माइनस 10 और 2 12 हो गए, 20 माइनस 12 कितना आया 8, प्लस का 8 है तो 8% की वृद्धि। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको इस तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन ये पता है क्या है, ये अभी आप इन चीज़ों से कन्फ्यूज़ हो जाओगे, क्या हो जाओगे, कन्फ्यूज़ हो जाओगे, जब ये करने का टाइम आएगा ना मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, पेपर में हमें ऐसे ही करना है, लेकिन एक बार आपको सीखने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये वो तरीका है, एक बार इससे आप सीख गए ना, आप कितने ही क्वेश्चन में लॉस प्रॉफिट के, परसेंटेज के और चक्रवृद्धि ब्याज के आप इस सेम मेथड से कर पाओगे, और ये करने के बाद आप इनको बिल्कुल आसानी से कर लोगे कि हाँ ये कैसे आया, क्यों आया, माइनस प्लस सब ये अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, इस वजह से अभी के लिए इस पर ध्यान नहीं देना है, अभी के लिए ना इस पर ध्यान देना है ना इस पर ध्यान देना है, अभी के लिए जो मैंने आपको बताया, जो मैंने बताया पहला क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दूं, मैंने बताया 120 की वृद्धि है तो 120 बटा 100, फिर 20 की कमी है तो 100 में से घटा के 80 बटा 100 कितना आया, यहाँ से आप कैंसिल आउट हो गया, 12 8 96, 100 से कम आया, कितना कम आया, 4 कम आया, तो यहाँ पे मेरा 4% कमी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे दूसरा करना है। ठीक है, चलो इसी तरीके का हम एक और क्वेश्चन करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि भाई हाँ क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे चल रहा है। देखो आपको खुद भी करना है, एक मिनट में आपको दूंगा इस क्वेश्चन करने के लिए। इसमें इसने कह रखा है, यदि किसी पुस्तक के मूल्य में, देखो खाली लैंग्वेज चेंज हो रही है, पहले उसने वेतन कहा, फिर संख्या कहा, अब पुस्तक का मूल्य बोल दिया, तो आपको क्या करना है, अब ये बोल रहा है, आपने क्वेश्चन देख भी रहे होंगे कि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की पहले 25% की कमी कर दी गई और फिर 20% की वृद्धि कर दी गई, तो पुस्तक के मूल्य में परिवर्तन क्या होगा, यानी कमी होगी के वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसने दिया कि पहले 25% की कमी कर दी जाए, तो हम उसका मूल्य कितना मानेंगे, 100 मानेंगे, 25 की कमी कर दी गई तो 100 में से हमने 25 कम किया, कितने रह गए, 75 बटे 100 गुणा, फिर क्या किया इसने, इसने बोला कि भाई 20% की वृद्धि कर दी गई, कितने की, 20 की वृद्धि, तो 100 में हम 20 जोड़ेंगे, 120 बटा 100। ठीक है, कैंसिल आउट हो रहा है, उसको कैंसिल कर दो, 1 0 से 1 0, 2 5 10, 2 6 12, 5 1 और 5 से 25, ठीक है, 15 6 90, कितना आया, 15 6 90, मैंने मानना था कितना, 100, आया कितना, 90। ठीक है, मैंने 100 माना था, 90 आया, तो कमी हुई कि वृद्धि हुई, कमी हुई कि वृद्धि हुई, मैंने 100 मानना था, कितना आया, 90 आया, तो कमी हुई कि वृद्धि हुई, कमी हुई ना, तो कितने की कमी हुई, 10% की। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये जो सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तरीका एक ही रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इस टाइप का, मैं आपको एक और करवा दूँ, फिर हम लॉस प्रॉफिट में बढ़ेंगे। देखो लैंग्वेज चेंज हो रही है, कुछ भी फर्क नहीं है भाई, लैंग्वेज चेंज हो रही है, वो सेम क्वेश्चन है, आपके बोर्ड पे भी आप देख रहे होगे, आपकी स्क्रीन पे, किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई, परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में क्या हो जाएगा। देखो किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई, परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में क्या हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन है, हमने कुछ नहीं करना, यहाँ पे 100 लेना है। ठीक है, पहले 25% की कमी तो 100 में से 25 गया, कितना गया, 75 बटा 100, फिर गुणा, और दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि तो 30 100 में हम जोड़ेंगे, 130 बटा 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 2 10 और 15, ठीक है, 15 और 13 की आप गुणा करोगे, 195 होता है, ठीक है, बटे 2, 15 3 45 और 1 15 4 19, ठीक है, 195 बटा 2। अच्छा हम इसको लिखेंगे, 2 8 2 9 18,
दूनी में 18 करना है यहाँ पे, दूनी में 18, एक बचा आगे लगा दिया 2 से 14, ठीक है, एक बचा और पॉइंट लगा के मिल गया 97.5, 2 5 10, ठीक है, इतना आया। कौन सा उत्तर आपका, कौन सा आंसर है? देखो ऑप्शन दे रखे हैं, 2.5% की वृद्धि, 2.5% की कमी, 2% की वृद्धि, 2% की कमी। जब मैंने 100 माना था, मेरा आंसर आया है 97.5, तो वृद्धि हुई कि कमी हुई? बच्चों घर पे बताया करो आपके, हाँ बोला करो, जब आप बोलोगे ना तो आपका क्या होगा कि भाई हाँ आप क्लास रूम में बैठ के पढ़ रहे हो और आपको अच्छे से और अच्छे से क्लियर होगा। तो मैंने 100 माना था, 97.5 आया, 97.5 आया, तो क्या हुआ, कमी हो गई। कितने की हुई, 2.5 की, है ना, 2.5 की, जिसको हम 2.5 बोलते हैं, इसमें लिखा है 2 से 1/2 की कमी, ठीक है, हो गया। तो क्या था, लैंग्वेज चेंज थी क्वेश्चन की, लैंग्वेज चेंज थी और कुछ भी फर्क नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसे होता है। बाकी इसको मैं करना चाहूँ तो दोनों को 100 गुना 100 मान के इतना आ गया, उसको इतना मान के इतना मान कर तो इतना आ गया। तो बस ये चीज़ें हैं, मैं आपको बहला सकता हूँ, फुसला सकता हूँ, लेकिन क्या है, जब एक तरीके से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं तो क्यों बेवजह की मुझे जादूगिरी दिखानी है तुम्हें? कुछ भी नहीं दिखाना भाई, पेपर क्लियर करना है हमने, जैसे मैंने क्लियर किए ना वैसे ही आपने क्लियर करने हैं, ठीक है। मुझे आपसे कोई लोभ नहीं है, इसी वजह से मुझे आपको बहलाना फुसलाना नहीं है, जैसे पेपर मैंने क्लियर किए हैं वही तरीका आपको बताना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो इसने बोल दिया 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, फिर 10% और बढ़ा दी जाती है, तो कुल वृद्धि कितने रुपए की हुई? देखो जब तक वो उसका कुछ कीमत ना देता, कुछ मूल्य ना देता, तो हम यहाँ पे 100 मानते हैं उस वस्तु का। जब वो दे भी देता है तो चलो उसने आपकी बार 100 ही दे दिया, तो उसने 100 माना, पहले 10% की वृद्धि की तो हमने कितना लिख दिया, 110/100, फिर 10% की वृद्धि की तो हमने फिर से 110/100 कर दिया, ठीक है। देखो जो ये वृद्धि है ना, ये नहीं करना कि 110 में ऐड करके 120 होगी, नहीं, वो 100 में ही ऐड करनी है, ठीक है। जो भी हम यहाँ पे मूल्य कितना भी दे सकता है वो उसमें नहीं, हमने लिया भाई 100 दे रखा था उसने, 110/100 किया, 110/100 किया, हमारा आंसर कितना आया, 2 से 2 गया और 2 से ये 2, सॉरी यहाँ पे एक थी, 1 से ये गई, तो 11 और 11 कितनी आई, 121, ठीक है। हमने पहले कितना माना था, 100 माना था, 121 आ गया, तो कमी हुई कि वृद्धि हुई, बताया करो बोल के घर पे ही, ठीक है, वृद्धि हुई, कितना, 21% की वृद्धि, ठीक है, है ना, समझ में आया। जब तक वो कुछ रेट, कुछ उसका वेतन नहीं देता, अब मैं बताऊंगा आगे कि उसका वेतन वो कैसे देगा, वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, तो यहाँ तक आप देखते रहिए, आपको सही समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। फिर भी कोई डाउट अगर आपको रहता है थोड़ा एक बार आप इसको और ध्यान से देखना, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके कोई डाउट रहे ही ना, ठीक है। बाकी जब हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे तो मैं आपको यही बताऊंगा कि हाँ ये हर एक चीज़ बताऊंगा, आप मैथ से डरना मत बिल्कुल भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि एक मशीन का वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपये है, आप स्क्रीन पर देख रहे होगे, एक किसी मशीन के मूल्य में, देखो मैंने बीच से पढ़ना शुरू किया, कोई बात नहीं, आप देखोगे किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास हो रहा है, यानी 5% की, ह्रास का मतलब होता है कमी, 5% की कमी हो रही है, उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपये है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। तो बच्चों क्या करना है, मैंने बताया ना, अब की बार उसने 2 लाख रुपये दे दिया, तो यहाँ पे 100 की जगह हमें क्या लेना है, 2 लाख रुपये लेना है, 100 की जगह क्या लेना है, 2 लाख रुपये देना है, ठीक है। तो देखो मैंने लिया उसका वर्तमान मूल्य कितना है, 2 लाख रुपये, ठीक है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10000 और लाख, कितना है, 2 लाख रुपये उस मशीन का मूल्य, उसमें प्रतिवर्ष 5% की कमी हो रही है, प्रतिवर्ष कितनी कमी हो रही है, 5% की। देखो उसमें जैसे आपने क्वेश्चन देख रहे होगे कि पहले 10% की वृद्धि, फिर 10 की कमी, पहले 10 की वृद्धि, फिर 10 की वृद्धि, ऐसे देख रहे थे। तो दो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, 2 साल है तो 2 बार के लिए, 3 साल है तो 3 बार के लिए, ठीक है, ऐसे करना है। देखो मैं दिखाता हूँ कि 5% की दर से कमी हो रही है वो, है ना, ह्रास का मतलब भी कमी, तो 100 में से 5 गया, कितने रह गई, 95/100, ठीक है, फिर 5%
अब जब प्रतिवर्ष इतना हो रहा है और उसने बताया कि पहले वर्ष भी इतना ही है, दूसरा भी इतना ही है, तो फिर हम कितना लेंगे? 95/100, ठीक है, 2 0 से 2 0 2 से 2, ठीक है। देखो 95 और 95 का अपनी गुणा आई, 95 और 95 की आई अपनी गुणा 90/25, कितनी आई 90/25, आप करके देख लेना एक बार, 95 और 95, 5 5 25 का 5 असलागे 2, 9 5 45 और 2 47 4 75, 9 5 45 5 असलागे 4, 9 81 और 4 85, 5 7 5 12 का 2 का असला 1, 5 4 9 10 की 0 असला गया 1 90/25, ठीक है। जब आप करोगे ना क्वेश्चन, जब आप पढ़ोगे, मैं बताऊंगा कि मैंने गुना कैसे की, इतनी जल्दी कैसे की, सब कुछ बिल्कुल आसान है, आप डरना मत, ठीक है, देखते रहना। तो पिचानवे और पिचानवे गुना कितनी 90/25, हमारे कितना बना गुना बचा में बचा 20, तो हम इनकी ओर गुना करनी है, 0 की 0, 2 5 10 की 0 असल 1, 2 2 4 और 1 5, 2 0 की 0 थी, 2 5 10, ठीक है, 1 असल, 2 2 4 और 1 5, 2 की 0 9 2 18, कितना हो गया 1,80,500। देखो आपके ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ये कह रहा है आपका ऑप्शन पहला ही है 1,80,500, 2 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना होगा 1,80,500। तो यहाँ पे वो क्या पूछ सकता है कि कितने 2 वर्ष, इसने पूछा है कि 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, हमने 2 लाख मानना था, कितना हो गया 1,80,500 हो गया। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई कितने की कमी हुई, कितने की कमी हुई, 2 लाख है। देखो वैसे तो आपको पता ही चल गया 19,500 के, लेकिन एक बार आप ये करके देख लो, 1,80,500 हमने माइनस कर दिया, 0 0 10 से 5 गया, ठीक है, यहाँ से असल लिया था 9 और अपना कितना 9 में से 8 गया 1,19,500, ठीक है, 19,500 अपना आंसर हो जाएगा। अगर वो पूछे आंसर ये कब होगा, जब ये पूछे कि कुल में कितने की कमी हुई, तो 19,500 की कमी हुई, ठीक है, और कितना रह गया 1,80,500 हमारा रह गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। देखो एक इसी क्वेश्चन में आप देख लो, मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि एक नगर की जनसंख्या कुछ है, क्या है, कुछ है, एक नगर की जनसंख्या कुछ है, मुझे नहीं पता वो कितनी है, इसे समझ लो आप, फिर जब अगला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। एक नगर की जनसंख्या कुछ है, तो वो 5% की उसमें कमी होती है, और कमी होने के बाद 2 वर्ष बाद वह 1,80,500 हो जाती है, कितनी हो जाती है 1,80,500 हो जाती है, ठीक है, कितनी हो जाती है, तो पहले जनसंख्या कितनी थी, पहले जनसंख्या कितनी थी, अब उसने यहाँ वाला नहीं दिया ना, और ये वाला दे दिया हमसे, तो ये वाला पूछा उसने, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे x लिख लेंगे इसको, ठीक है, यहाँ पे हमने कितना लिखा x, सो तो हमने इसके नीचे लिखना ही है, ठीक है, तो x निकालने का तरीका आपको पता होगा, x इस साइड रहता है, नीचे वाली चीजें ऊपर चली जाती हैं, 1,80,500 गुना 100 और गुना 100, ये कितना 95 नीचे आया, ये 95 नीचे आया, ठीक है, आप कट करके देख लेना, आप करोगे आपको पता ही चल जाएगा 19 से हो रहा है कट के, कितना आया 2 लाख, आपको पता है आना है 2 लाख, तो आप एक बार उसको कट कर लेना, ठीक है, 19 5 95, 19 9 171, 9 बच गए, फिर 19 5 95 है ना, 1995 सौ आ जाएगा, फिर 19 5 95, 19 5 95 500 आ जाएगा, फिर 5 से कट के आ जाएगा, आप कर लोगे 2 लाख अपना उत्तर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से भी पूछ सकता है, आगे मैं दिखा रहा हूँ आपको कि वो ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है। देखो इसने दिया ये दे रहा है भाई कि किसी वस्तु के मूल्य में हर वर्ष
10% की दर से कमी हो रही है। किसी वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास हो रहा है, यानी कमी हो रही है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 है तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था? 3 वर्ष पहले का पूछा ना उसने। हम क्या करते हैं, जब हमें वर्तमान का दे रखा होता है, यहाँ से लेके हम आगे लेके जाते हैं और फिर हमारा जो हो जाएगा, जो भविष्य में होगा, वो आता है। लेकिन अब उसने जो हुआ है, जो बढ़ के आया है, वो दे रखा है और पहले का पूछ रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि भाई पहले उसका कितना था, एक्स था, और कितने 10% की दर से कमी हो रही है। तो 10 की कमी तो 90/100, 3 साल हैं तो 3 बार 90/100 और 90/100, और कितना हो रहा है, वो वर्तमान में कितना है, 729 है। ठीक है, कितना है, 729 है। उसने पूछा ना, जब ये पूछना कि 3 वर्ष पहले कितना था, तो हम यहाँ पे कितना माना कि 3 वर्ष पहले एक्स था, फिर ऐसे ऐसे होके वो आज यहाँ पे पहुँचा है। ठीक है, तो एक्स हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल कर दो, 10 से 10, तो 729 तो उस तरफ होगा ही हमारा, नीचे 10 बचा है, ये ऊपर आ गया, ये 100 ऊपर आ गया इधर, तो 9 × 9 और × 9। देखो आप, 9 का क्यूब ही होता है 729, बाकी आप करके करके देख लो, 9×8 72, 9×1 9, 9×9 81 और 9 से 9 कट गया। ठीक है, कितना आया, 1000, कितना उत्तर आया हमारा, 1000। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 3 वर्ष पहले उसका मूल्य 1000 रुपये था और आज उसका कितना हो गया, 729 हो गया। ठीक है, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक में है, मैं कह सकता हूँ कि जब आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, 729 ऐसे लिखो, अभी नहीं, अभी इसकी तरफ चलो मैं बाद में बताऊंगा आपको, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसी तरह का एक और क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। हाँ जी, इसमें दे रखा है एक स्कूटर की वर्तमान मूल्य 7290 रुपये है। 7200, एक बार पहले आप पढ़ा करो कि उसने क्या पूछ रखा है, कि भाई एक स्कूटर की वर्तमान कीमत 7290 रुपये है, उसका प्रति वर्ष 10% की दर से मूल्य ह्रास होता है, तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था। आप बार बार स्टेटमेंट पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा, क्वेश्चन बार बार पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो पहले वाला पूछ रहा है, तो हमें यहाँ जो वर्तमान वाला है यहाँ पे लेना है, ऐसे करके आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो इसने पहले वाला पूछा 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था, तो मैं क्या लिखूंगा, 3 वर्ष पहले हमने मान लिया उसका मूल्य कितना था, एक्स था, और 10% की दर से ह्रास हो रहा है, यानी कमी हो रही है, 3 साल है, तो 3 बार 90/100 90/100 और 90/100। ठीक है, और कितना हो गया, 7290 रुपये हो गया, 7290 रुपये हो गया। तो अभी कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अभी सही हो रहा है, तो x इज इक्वल टू 7290 × 10 ऊपर गया और 100 ऊपर गया और ये 9 नीचे आया और फिर 9 और ये 9, ये तीनों नीचे आ गए। ठीक है, इसका क्यूब ही होता है ये। ठीक, तो कितना आया, 10, 10 और 20 और एक्स किस हमारा किसके बराबर आ गया, 10,000 के बराबर। तो इसका मूल्य कितना था, 10,000 रुपये। ठीक है, आया समझ में, ऐसे पूछ सकता है वो कि वर्तमान में दे के, और वो पूछे कि पहले कितना था तो ऐसे, वर्तमान में दे के वो भविष्य का पूछे तो ऐसे, ठीक है, फ्यूचर का पूछे तो ऐसे, ऐसे करने हैं। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये एक और टाइप होगी। ठीक है, अब जो हमारी अगली टाइप है मैं आपको करवा दूँ, वो जो लॉस प्रॉफिट की है। ठीक है, सेम टाइप है, इसी तरीके से होगी, आप खुद भी करके देखना क्वेश्चन देख के। एक मैं अपने पास से करवा रहा हूँ एक क्वेश्चन, आप समझ जाओगे। देखो मैं क्या करता हूँ कि मैंने कोई साइकिल खरीदी, आप ये मानो कि मैंने वो साइकिल 8,000 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी, 8,000 रुपये में। मैंने वो साइकिल कितने में खरीदी, 8,000 रुपये में खरीदी। ठीक है, मैंने उसको किसी दूसरे लड़के को 20% लाभ पे बेच दिया। कितने प्रतिशत लाभ पे, 20% पे। तो ठीक है, 120/100। फिर उस लड़के ने क्या किया, उस साइकिल को उसने दूसरे लड़के को 30% लाभ पे बेच दिया। ठीक है, वो जो कमी या वृद्धि बता रहा था सेम है ना, वो लाभ का मतलब वृद्धि और हानि का मतलब कमी, ऐसे ध्यान रखना है।
फिर तीसरे लड़के ने क्या किया कि वो सामने वाले को 20% आने पे बेच दी। अब 20% आने का मतलब 100 में से ही कमी करनी है हमें, 80/100, तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, इससे 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 ये और अपना इससे ये हम गुना करके लिखेंगे जितना भी हमारा आएगा कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे ये मैं, और वो ये भी पूछ सकता है सेम क्वेश्चन कि कोई साइकिल इस लड़के ने 10,000 में खरीदी और वो वर्तमान में देखिए भविष्य का पहले का पूछ लेगा तो हम यहाँ में एक्स मान लेंगे। जैसे अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ क्वेश्चन कि आपको कैसे करने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अभी होगा। देखो इसने लिखा है, कि ए एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है, सी उसके लिए सॉरी इसने लिखा है ए एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है, यदि सी उसके लिए 264 रुपये देता है तो ए ने वह कितने में खरीदी थी, देखो मैंने आपको बताया ना, अगर ए के देता तो हम यहाँ पे लिखते इतने में और फिर बी को और हम ऐसे करते चलते, लेकिन अब उसने पूछ ए का लिया तो हम मान लेंगे कि ए ने एक्स में खरीदी थी, कितने रुपए में खरीदी थी, एक्स रुपए में खरीदी थी। फिर हम शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे कि ए ने उस साइकिल को बी को 10% लाभ पर बेचा, तो 10% लाभ का मतलब 110/100। ठीक है, तो ए ने बी को 10% लाभ पर बेचा 110/100, बी ने सी को 20% लाभ पर बेचा तो कितना 120/100। ठीक है, अब सी ने उसके लिए 264 रुपये चुकाए। ठीक है, अब 264 चुकाए तो यहाँ पे मैंने कितना लिखा 264। ठीक है, तो ए ने कितने में खरीदा था, अब ए ने हमने एक्स मानना है तो एक्स की वैल्यू निकाल देंगे 264। अब यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट करके जो नीचे बचा उसको हम ऊपर लेके गए और जो ऊपर है उसको हम नीचे ले आए। अब गुणा करोगे 11 × 2 = 22, कैंसिल आउट करोगे 11 × 2 = 22 और 11 × 4 = 44, 12 × 2 = 24, कितना आया 200 रुपये। तो ए ने उसको कितने रुपये में खरीदा था, 200 रुपये में खरीदा था, और सी ने उसको कितने में खरीदा, 264 रुपये में। ठीक है, देखो ये सेम क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं कि हम इसको एक बार ऊपर कर दे थोड़ा। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है ना कि वो दे, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि ए ने 200 रुपये में खरीदा, ठीक है आप लिखोगे ए ने दो, पहले एक बार सुनो मुझे कि ए ने 200 रुपये में खरीदा, बी को 10% लाभ पर बेचा, सी को इतने पे बेचा, तो सी ने उसके लिए कितने रुपये चुकाए, तो मैं क्या करूँगा, अब उसने सी का पूछा है ना तो मुझे पता है कि मुझे यहाँ से शुरू करना है, ए ने 200 में खरीदा, बी को 10% लाभ पर बेचा तो 110/100, अब बी ने सी को 20% लाभ पर बेचा तो 120/100, सी ने कितने यहाँ पे पूछ लिया तो ठीक है इसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे, देख लेंगे एक बार 12 × 2 = 24, 24 और 11 गुना करोगे कितने 264, कितने आएंगे 264। ठीक है ना, 264 लिखना है यहाँ पे। तो सी कितने आ गए 264। क्वेश्चन को समझो ध्यान से, अगर ये बोल देता कि ए ने इतने में खरीदा, बी को इतने में दिया, सी को इतने में दिया, तो सी ने कितने रुपए चुकाए, तो ऐसे आता, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने क्या दिया, पहले सी का दे दिया और ए का पूछ लिया, तो एक जगह हमने एक्स रख लिया और सी के पैसे वहां पे रख दिए, हमने उसको निकाल दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप का। हाँ जी, देखो आपको खुद भी करके देखना है, एक बार करने के बाद आपको एक खुद करके देखना है, फिर ना आए तो वीडियो आगे चला के और फिर वो मैं जो उसका सोल्यूशन करवा रहा हूँ वो देखना। ठीक है, पहले एक बार वीडियो को स्टॉप करके आपको खुद भी देखना है क्वेश्चन करके जो अब आपकी स्क्रीन पे आ गया वो। ठीक है ना, पहले मुझे स्टॉप करके पहले खुद करके देखो और फिर आप ना आए तो मेरा सोल्यूशन देखना। इसने कहा है, चलो देखते हैं कि ए एक साइकिल को 5% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है, सी ने 2,310 रुपये चुकाए, तो ए का लागत मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, वही बात है, ए का पूछ लिया, ए का नहीं दे रखा तो हमने ए का कितना मान लिया, हमने ए का एक्स मान लिया, कितना माना एक्स, ए ने बी को 5% लाभ पर
तो 105 बटा 100 कर दिया। बी ने सी को 10% लाभ पर, तो 10 जोड़ा हमने 100 में, 110 बटे 100 कर दिया। तीन वो अपने सी ने कितने रुपए चुकाए उसके, 2310 यहाँ पर लिख दिया हमने उसका। ठीक है, अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो ठीक है, 5 2 5 10 5 5, ठीक है। अब हम x यहाँ पे लिखेंगे, ये 100 ऊपर जाएगा, 2310 गुना 2 भी ऊपर जाएगा और ये 100 भी ऊपर जाएगा, और जो ऊपर वाली चीज़ें हैं वो नीचे आ जाती हैं, 21 गुना 11। ठीक है, अब आप इसे कैंसिल करोगे, 21 एकम 21 दो बचा, एक के आगे लगाया, 21 एकम 21 यहाँ पे लगाया, और ये 11 और एक ये, ठीक है। एक्स कितना आ गया, 10 दुनी 20, और 20 और 100 की गुना आप करोगे कितना हो गया, 2000, कितना हो गया 2000। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 2000। ठीक है, तो ए ने 2000 में खरीदी थी। एक बार इस क्वेश्चन को भी मैं आपको उसी तरीके से बता दूं कि अगर वो ये बोल दे कि ए ने कोई साइकिल 2000 रुपये में खरीदी, कितने में खरीदी, 2000 में, और ए ने उस साइकिल को बी को 5% लाभ पर बेचा, तो आप लिखोगे 105 बटा 100। ठीक है, बी ने सी को 10% लाभ पर बेचा, 110 बटा 100। सी ने उसके लिए कितने रुपए चुकाए, सी ने सी के पूछ लेगा, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे ये, और ये इससे जाएगा, 5 दुनी 10 5 दुनी 10 एक, और ये अपना कितना आ गया 10। ठीक है, 10 तो अपनी आएगी यहाँ पे, और जब आप 21 और 11 की गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 2310 2310 रुपये। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, इसी टाइप का आपका एक और क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, जो इसी तरीके से होगा। हाँ जी, चलो ये आपको खुद करना है क्वेश्चन, बाकी रोक के आपको स्टॉप करके करना है, जो आप वीडियो को रोक के या स्टॉप करके जो भी है आपको फिर करना है क्वेश्चन, और बाद में मेरा सोल्यूशन देखना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों। इसने कहा किसी माल के मूल्य में 10% वार्षिक गिरावट आती है यदि 3 वर्ष पहले खरीदा गया हो, इसका वर्तमान मूल्य 5832 हो, तो खरीदते समय इसका मूल्य क्या था। इसने पहले का पूछा ना, खरीदते समय क्या था, जब पहले का पूछे तो हमें यहाँ पे क्या मानना है, एक्स। तो 10% वार्षिक दर से गिरावट हो रही है, 3 साल हैं तो गिरावट हो रही है 10 की दर से, तो 90 बटा 100 और 90 बटा 100 कितना वर्तमान मूल्य कितना है, 5832। ठीक है, तो चलो इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट में बताना है, मुझे पता चले कि आपने किया है, कमेंट में आंसर बताना है इसका। ठीक है, कमेंट में बताना है भाई, ए बी सी जो भी आपके ऑप्शन है उनमें से, ठीक है बताना आप मुझे। ठीक है, चलो जो मैंने आपको बताया कि सेम तरीके से, सेम एक मेथड से ही लॉस प्रॉफिट और अपना परसेंटेज और एक कंपाउंड इंटरेस्ट भी मैंने बोला है, ठीक है ना, वो मैं आपको अभी कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन बच रहे हैं हमारे वो करके दिखाता हूँ कि सेम मेथड से कैसे होते हैं। ठीक है, चलो देखिए जो क्वेश्चन आपके अभी आपके सामने आ गया होगा, देखो इसमें कह रहा है वो कि 250 रुपये की राशि पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 8% की चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी। 250 रुपये की राशि पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 8% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितनी हो जाएगी। देखो इसमें हमारा क्या फ़ायदा होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, चाहे ब्याज में, कि उसमें हमेशा में फ़ायदा ही होता है, यानी वृद्धि ही होती है, यानी लाभ ही होता है। अगर मैं तीनों उसमें लूँ ना, परसेंटेज में लूँ तो वृद्धि, अगर मैं लॉस प्रॉफिट में लूँ तो लाभ, और अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट में लूँ तो उसको मैं रेट बोल देता हूँ, बातें सारी सेम हैं। ठीक है, तो इसमें ये फ़ायदा है हमारा। अब ये बोल रहा है कि भाई हमने 250 रुपये की राशि है, ठीक है 250 की राशि है, पहले वर्ष जो दर रही वो 4% रही, ठीक है प्रॉफिट ही होना हमें तो जब हमारा ब्याज आना है, तो 104 बटा 100। दूसरे वर्ष क्या हुआ,
कि भी जो हमारी रेट है ना वो बढ़कर कितनी होगी, 8% हो गई। तो दूसरे अगर 8 होगी तो 108/100, ठीक है। देखो अभी हमें ये कैंसिल करना है, 5, 5, 2, 2 5 10, 2 2 4, 2 5 10, 2 5 10, 2 4 8, ये कटेगा 25 और ये कितना अपना 27। अब ये 5 से कट के कितना आ गया, 5, 27 और 52 की गुना आप करोगे, 27 2 कितने होते हैं, 54, ठीक है। 5 आ गया और 27 5 कितने होते हैं, 135, ठीक है। 135 और 5 कितने हो गए, 140। गुना फिर करके देख लेना आप, 27 2 54 आया, 5 असल लगा, 27 5। देखो गुना करने का भी तरीका बताऊंगा मैं, पहाड़ी कोई किसी को याद नहीं होते, मुझे 27 का पहाड़ा नहीं आता मुझे, लेकिन मुझे ये पता है कि 20 5 100 होते हैं और 7 उससे ऊपर है तो 7 5 35 होते हैं, 100 में मैंने 35 ऐड कर दिया तो कितना आया, 135 आया। और 135 का जो हमने असल लगा था 27 2 54 में 5 जोड़ दिया, 1404 बटे में मैंने कितना किया, 5, ठीक है। 5 2 10, 5 2 10, 4 बचा, 5 8 40, ठीक है, 4 पे नहीं जा रहा, 0 और 5 8 40, कौन सा ऑप्शन आपका, और आपका ऑप्शन इसने दे रखा है 280.80, यानी बी ऑप्शन है इसका, आपने इसने आपका आंसर दे रखा है तो आपको बी पे टिक मार्क करना है। देखो बच्चों क्या है, अब ना जैसे ये रेट बोल रहा है ना, मैं इस रेट को आपको ये बता सकता हूँ कि 4% बोल रहा है तो आप इसको ये लिख दो, 50 से 52 लिख दो, 2 से 4 लिख दो, कुछ नहीं होता, 4% है, मैं ऐसे बोल दूंगा 2 2 4 50, ठीक है, 50 से 2 की वृद्धि तो 52/100 लिख लो। अरे वो चीज़ें कट के हैं, ये यही आनी है, 104/100, 2 5 10, 2 2 4 और 50, ठीक है, ये कितना 26 और ये कितना 25, 1 की वृद्धि होगी, है ना। ये वो चीज़ें हैं भाई जो आपको अभी रटनी नहीं, अगर इन चीज़ों में रटने लगे ना, अभी एक ही स्टेप तो मैं बढ़ाना है कि कट करना है बस इनको, 26 25 से 26 हो गया, ये चीज़ें भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन उस केवल कन्फ्यूजन के लिए होती हैं। कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट बनाएंगे हम और एक बार सीखेंगे, बाद में आप कुछ सीखते रहना, एक बार समझ में आने के बाद आप कुछ सीखते रहना फिर ठीक होता है एक बार। लेकिन अभी मैं आपको ये बताने लगा कि इसको 25/26 लिखो, अगर 4 की वृद्धि है तो 25 से 26 हो गया, वो चीज़ें फिर आप कन्फ्यूज ही होते रहोगे, ठीक है। सारी आती सारी चीज़ें हैं, लेकिन बताऊंगा वो जो आपको फ़ायदा पहुंचाए, जल्दी पहुंचाए फ़ायदा आपको और ढंग से आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो कोशिश करते रहिए, आप समझते रहिए, आपको और अच्छे से मज़ा आएगा भी। तो ये क्वेश्चन है, तो वो जो राशि थी 250 रुपये थी, वो कितनी गई, 280.8 हो गई, ये तो हमारा हो गया आंसर। देखो इसको चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट की भाषा में ये तो अपना होता है मूलधन, और इसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन। देखो ये मूलधन और कितनी हो गई, 280.8 हो गई, तो ये चक्रवृद्धि मिश्रधन हो जाता है, ये हमारा मिश्रधन हो जाता है। देखो इस क्वेश्चन में ना वो अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछना चाहे, क्या पूछना चाहे, चक्रवृद्धि ब्याज पूछना चाहे, तो सबको पता है जब मेरी जो राशि थी कितनी थी, अगर 200 रुपये थी और वो कितनी हो गई, 280 पॉइंट कितनी हो गई, 8 हो गई। अगर मेरी राशि 200 थी, 280.8 हो गई, तो मुझे ब्याज कितना मिला, अब मैं इसमें से ये घटा कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो कितना आया, 80.8 रुपये मेरा ब्याज आ गया, ठीक है। देखो मैंने बताया ना तीनों सेम टाइप हैं, पहले क्वेश्चन में क्या कह देता वो, किसी नगर की जनसंख्या 200 है, इतने की वृद्धि हो गई, फिर इतने की वृद्धि हो गई, तो कितनी हो गई टोटल, 280.8 होगी, वृद्धि कितने की होगी, 80.8 की होगी, ठीक है। तो अब उसने बोल दिया कि मिश्रधन कितना हो गया, 280.8 हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो उसमें से मैंने माइनस कर दिया, 80.8 हो जाएगा, ठीक है। अभी एक दो क्वेश्चन और करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2000 रुपये का, आपकी स्क्रीन पे है, 2000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जब ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिए 4% और द्वितीय वर्ष के लिए कितनी, 3%, ठीक है। तो 2000 रुपये हैं, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, पहले के लिए 104/100 और फिर कितनी है, 3%, तो कितनी लिखूंगा मैं, 103/100, ठीक है ना। देखो क्या करना है, कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कर दिया, 1 से 1 कर दिया, ठीक है।
अब 10 रख लिया करो, अगर ये पता है कि 2 × 10 आना है तो वैसे 10 रख सकते हो आप, कट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, क्योंकि फिर हम डायरेक्ट पॉइंट लगा देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो हमें गुना करनी है 104 और 2 पहले कर लो, आप कितने हो गए 208 और 103, 3 × 8 = 24, ठीक है, 3 × 8 = 24, 0 थी तो 2 आ गया, 3 × 2 = 6, फिर कितना 0 0 0 और अपना कैंसिल आउट करा हमने, 208 है तो 208, ठीक है, 4 2 8 6 14 और 1 यहाँ पे, और ये देखो कितना आया 214 24/10, और इस 10 के नाम का यहाँ पे हम आगे क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे 0.4, ठीक है। देखो बच्चों मैं फिर बता रहा हूँ कि ये ध्यान रखना, ये अपना मूलधन होता है, ये हमारा कितना जाता है मिश्र धन जाता है, ये हमारा मूलधन होता है और ये मिश्र धन जाता है। तो अपना इसने पूछा हमें ब्याज पूछा है, तो जब ये मूलधन हमने दिया था किसी को, उसने इतना लौटाया हमें, तो ब्याज कितना मिला, जब इसमें से नहीं माइनस कर दो होते हैं तो मिला ना 2142.4 में से मैंने कितना माइनस करा, 2000 माइनस कर दिया। देखो आपके लिए बता रहा हूँ, आप धीरे धीरे सीख भी जाओगे कैसे करना है, 142.4 रुपये, ठीक है, 142.4, ठीक। ये चक्रवर्ती ब्याज हो जाता है हमारा, वो चक्रवर्ती मिश्रधन पूछे या मिश्रधन पूछे तो ये हो गया, ठीक है, ब्याज पूछे चक्रवर्ती, तो इसमें से हम ये माइनस से कर देते हैं 142.4। चलो ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे जो मैंने अभी आपको टॉपिक करवाया है। अभी जो आपको टॉपिक करवा रहा हूँ ना मैं, ये आपको सिर्फ ये बताने के लिए करवा रहा हूँ कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है। इस वजह से आज मैंने कोई दूसरा टॉपिक डाला है कि एक मेथड से हमने 3 टॉपिक के क्वेश्चन किए हैं। देखो आप परसेंटेज सीख गए ना, तो आप परसेंटेज, लॉस प्रॉफिट, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एक तरीके से ही चारों पांचों चैप्टर कराऊंगा, बस एक तरीके से, आपको कुछ नहीं करना, एक तरीका सीखना कि हमने वैल्यू किसकी निकालनी, बस सिंपल एक तरीका है और कुछ भी नहीं। ये भी नहीं कि हम आपको परसेंटेज याद रखनी पड़े, इससे 14/16 इतना कुछ भी याद नहीं रखना, याद तो कुछ भी नहीं रखना आपको, अपने आप क्वेश्चन हल होते चलेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन से, एक मेथड से इतने क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इस मेथड से, आप देखना परसेंटेज वाले से बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो डरना नहीं है और साथ बने रहना है, बताना है मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अगर आपको आपने कहीं पहले पढ़ा है उसके कंपैरिजन में अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसको शेयर करो कि बच्चों का भला हो, क्योंकि जब हम क्या करेंगे, एक रेगुलर शुरू कर देंगे ना, तो उसके बाद हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे, और जब आप बेसिक से जुड़े रहोगे तो आप जो आपको नहीं आता ना वो चीज़ें आप साथ लेके बताओगे मुझे और साथ चलते रहोगे, तो आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे मैथ में बहुत जल्दी ही कि आप हर एक पेपर में, जब जिसके भी कमी रहती है आपकी, उस पेपर में कमी नहीं रहेगी आपकी मैथ की, ठीक है। मैथ मैंने आपको बताया, मैथ और जीके मेरी बेस्ट हैं, मैंने इन्हीं से, मैथ और जीके से ही मैंने सारे पेपर क्लियर किए हैं, इतने पेपर क्लियर किए मैंने बहुत सारे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे उनका बखान करने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ पे मैं आपके लिए आया हूँ कि मैं आपको कैसे पढ़ा के उसी तरीके, जिस तरीके से मैंने पढ़ा है उसी तरीके से मैं आपको पढ़ा के और आपको उसी लेवल तक लेके जाऊँ, आप अच्छे बनो, एक बढ़िया पोस्ट आपको मिले, ठीक है। भगवान खुश रखे, आपको खुश रहो और कोरोना से बच के रहो। कोरोना का नाम लेना पड़ा है तो थोड़ा बता दूं कि भाई जब तक ये चल रहा है उसी की वजह से हम अपनी क्लास रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं। जब रेगुलर क्लास हो जाएंगी तो वो क्लासेस भी मैं आपकी यूट्यूब पे डालूंगा, और आप अगर रोहतक में आके लाइव पढ़ना मेरे पास, मतलब मेरे सामने पढ़ना चाहते हो, सामने तो आप यूट्यूब पे भी हो, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा माहौल, क्लास का माहौल का फ़र्क होता है। देखो मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, फिर भी मैं आपको बता दूँ कि क्लास के माहौल का फ़र्क होता है। यहाँ पे जो आएगा ना वो ये नहीं है कि वो अपना मैंने जो सिखाया है उसको करेगा कि नहीं करेगा। अब आप यूट्यूब पे हो, यहाँ पे तो आपकी ईमानदारी देखी जाएगी कि आप भाई पढ़ रहे हो, वो आपको ही पता है, मुझे नहीं पता कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितने क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन जो यहाँ पे पढ़ने आएगा ना उसका मुझे पता होगा हर एक बच्चे का, क्योंकि डेली उसका काम यहाँ पे चेक किया जाएगा कि वो करके लेके आया है कि नहीं लेके आया। ये मेरा तरीका रहेगा यहाँ पे पढ़ाने का, और उसको आप आना यहाँ पे, जब हमारा लॉकडाउन खुल जाएगा तो उसके 15-20 दिन तक हम एडमिशन रखेंगे, क्योंकि एक बार क्लास स्टार्ट होने के बाद हम एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि आप जितना भी मेरा बैच बनेगा उसको साथ लेके चलना है और पूरा दूर तक लेके जाना है उसको, ठीक है।
तो मेहनत करते रहिए, ईमानदारी से करते रहिए। धन्यवाद। ठीक है।